नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने किया नामांकन। औरंगाबाद में आज नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पर्चा एसडीओ कार्यालय में दाखिल किया और सभी प्रत्याशियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस तथा आचार संहिता का जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन मूक दर्शन बनकर देखता रहा। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिला के 6 विधानसभा के सीटें आज नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां औरंगाबाद सदर विधानसभा से बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने भाजपा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी के औरंगाबाद के वर्तमान विधायक आनंद शंकर ने भी अपना पर्चा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। अगर बात करें नवीन नगर विधानसभा का, तो वहां से राजद प्रत्याशी के रूप में डब्लू सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं कुटुम्बा विधानसभा से हम पार्टी के प्रत्याशी के रूप में स्वर्ण भुइया ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं जेडीयू पार्टी के पूर्व विधायक लल्लन भैया ने भी अपना पर्चा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में है। बात करें ओबरा विधानसभा की, तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने भी अपना पर्चा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ओबरा विधानसभा से दाखिल किया है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता प्रकाश चंद्रा ने भी ओबरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं गोह विधानसभा से जेडीयू के पूर्व विधायक रणविजय सिंह ने भी अपना पर्चा गोह विधानसभा से रालोजपा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। और मीडिया से बातचीत के दौरान सभी ने जीत का विकास करके का दावा किया है। औरंगाबाद से विनय प्रसाद साहू की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। हाँ विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा क्या उद्देश्य लेकर आप आए हैं और जनता को किन किन समस्याओं से आप निजात कर दिलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस बिंदु पर? सबसे बड़ा जो समस्या हम लोग अभी खास करके नवीनगर और बारून में है, वो है नौजवानों को रोजगार का। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये इकलौता विधानसभा होगा जिसमें दो दो एनटीपीसी प्लांट, और अजीब विडम्बना है कि जहाँ के पे दो दो एनटीपीसी प्लांट हम लोगों के पूर्वजों ने अपना खून पसीने का मेहनत का जमीन को दिया है, और वहीं के लड़के बेरोजगार घूमे पूरे हिंदुस्तान में घुसे। ये लॉकडाउन में तो पता चल गया सरकार के द्वारा कि हम लोगों के क्षेत्र के कितने नौजवान बाहर में रोजगार कर रहे हैं, पलायन करके बाहर में जाके नौकरी कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दरमियान में हम पूरे इलाके में हम लोगों ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान से लड़के फ़ोन कर रहे थे कि भैया हमने हिमाचल में फंसा ली, हमने नागपुर में फंसा ली, हमने कुल्लू मनाली में फंसा ली, और यहाँ पर रोजगार होने के बावजूद वहाँ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने इस ये सोचकर एनटीपीसी प्लांट को स्थापित नहीं कराया था कि यहाँ पे लड़के बाहर में करें और बाहर से लड़के आके यहाँ पे नौकरी करें। हम बाहर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एनटीपीसी के द्वारा जब हम लोग स्थापित कर रहे थे, याद होगा कि 2005 से 10 में मैं विधायक था, उसी वक्त उसका शिलान्यास हुआ था, तो उस समय तय हुई थी कि 70% यहाँ के लड़कों को नौकरी दिया जाएगा और 30% बाहर को दिया जाएगा। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30% भी यहाँ के लड़के नहीं हैं, सभी बाहर के लड़के काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये दूसरा है इरीगेशन सिस्टम, खास करके हम लोगों के यहाँ क्या है, किसानी है। अगर हम लोग प्रॉपर वे में अगर हम लोग खेतों में पानी पहुँचा देते हैं, इस 15 साल में नीतीश जी को कभी ध्यान नहीं आया, अब कहते हैं कि हर खेत में हम पानी पहुँचाएंगे, तो हमको लगता है कि पानी थोपाने का बारी आ गया है। धन्यवाद। एक चीज़ और जानना चाहेंगे विधायक जी, आपने कहा कि 15 साल नीतीश जी का राज था, पानी खेत तक नहीं पहुंची, पानी खपाने की बारी आ गई, लेकिन 15 साल पहले लालू जी का राज था, किस गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी 15 साल के राज था, क्या उन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया था? समय परिवर्तित हो गया है, समय परिवर्तित हो गया है। हम लोगों के गार्जियन है लालू प्रसाद यादव जी, लेकिन अब 21वीं सदी की ओर है। तेजस्वी यादव नौजवान है, नई सोच के साथ में है। मुझे लगता है कि इस बार खास करके पूरी बिहार से हमको लगता है कि जितने नौजवान हैं इस बार तेजस्वी जी का साथ देंगे, और मुझे लगता है कि इस बार मौका मिलेगा और हम लोग इस बार पूर्ण
सरकार बने। नवीनगर से क्या दावा करते हैं आप? जी 500% मेरा दावा है कि मैं जीत कर इसका दिखाऊं। कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये वोटों से कितने जीतेंगे वो बस इतना जनता के रिकॉर्ड रहे। आप एक बार 5 वर्ष के लिए चलिए सर, 20 बार जीतते हैं तो आपका सबसे बड़ा काम। चलिए सर, जनता साथ में है। अरे 10 वर्ष तेरे साथ ना तू। किसको चाहती है? लेकिन जो आपका परंपरा, पहले बताना मतलब टू अर्ली जी, लेकिन जो आपका परंपरागत वोट है, अगर MY समीकरण की बात करें तो काफ़ी ऐसा आ रहा है कि वो जो समुदाय है वो आपसे असंतुष्ट है। राजनीति है और ये काजल की कोठरी है, इसमें बहुत सारे लोग दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की चिंता और परवाह हम लोगों को नहीं है। कुछ लोग हैं जो साजिश करते रहते हैं और उन साजिशकर्ताओं को जल्द जनता नकार देगी और बेनकाब करेगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना दूध और कितना पानी। पिछली बार 18,000 वोटों से जीते, इस बार कितने वोट से जीतने का उम्मीद करते हैं? इस बार आप समझ जाइए कि जनता रिकॉर्ड वोटों से हराएगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और जो डर माननीय पूर्व मंत्री जी ने लोगों के बीच में फैला रखा है, उस डर से जनता निजात चाहती है। उस निजात पाने के लिए ही जनता ने उस समय 18,000 वोटों से मुझे जिताने का काम किया और इस बार वो जनता उस मैंडेट को दुगना करेगी।